जैसे कि आप सब जानते हैं, सीसीटीवी कैमरास आजकल के टाइम में एक ज़रूरी चीज़ हो गई है, चाहे वो घर के लिए हो चाहे वो बिजनेस के लिए हो। तो ये आज ये वीडियो उसी से रिलेटेड है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सीसीटीवी कैमरास कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि ये चीज़ जब तक आपको पता नहीं होगी तो आप सही तरीके से कैमरा या सीसीटीवी सेटअप चूज नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि सीसीटीवी कैमरास कितने तरीके होते हैं, बाकी जो सेटअप वगैरह का है वो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी इस वीडियो में हम दिखाएंगे कैमरास, उसके अलावा ऐसा नहीं है कि उसके अलावा कैमरास नहीं होते हैं, उसके अलावा भी कैमरास होते हैं, बट जो अराउंड द वर्ल्ड हम 98% या 99% कैमरास यूज़ करते हैं, जो कंज्यूमर लेवल पे होता है, बेसिकली जो उसका यूज़र है जो कि 98% या 99% है, उसी कैमरास के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो खाली एक तरीके से इस तरीके से करेंगे कि एक नॉर्मल लेमैन को भी समझ आ जाए, बेसिकली जिसे कैमरास के बारे में कुछ नहीं पता वो उसे भी समझ आ जाए। इसमें ज़्यादा हम टेक्निकल में नहीं जाएंगे। सीसीटीवी कैमरास मेनली तीन तरीके के आते हैं, एनालॉग, एनालॉग HD और IP या नेटवर्क कैमरास। तो देखा जाए तो एनालॉग और एनालॉग HD कैमरास की तरीका एक ही है वर्क करने का, बस डिफरेंस ये है कि एनालॉग कैमरास में क्लियरिटी थोड़ी कम होती थी, इनमें एनालॉग HD कैमरास में क्लियरिटी बेटर मिलती है हमें। तो अब देखते हैं कि भाई, तो जो हमारे एनालॉग कैमरास होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हमें DVR की ज़रूरत होती है, जिससे ये DVR पे जाकर हमारे रिकॉर्ड होते हैं, या फिर अगर हमें उन्हें आगे ऑनलाइन एक्सेस करना हो या किसी और डिवाइस पे रिकॉर्ड करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। तो बेसिकली जो DVR होता है दैट वो कहलाया जाता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, इसीलिए क्या कहलाया जाता है क्योंकि वो एनालॉग सिग्नल्स को आपका डिजिटल में कन्वर्ट करता है, जैसे कि पहले होता था। जो ये हमारे एनालॉग HD कैमरा आते हैं ये भी होते बेसिकली एनालॉग ही हैं, बट जो इनकी क्लियरिटी है कंपैरेटिवली पहले वाले कैमरा से ज़्यादा बेटर है। जो मेनली अलग अलग HD वेरियंट्स आते हैं वो है AHD, TVI, HDX, HD, HD TVI, ये अलग अलग कंपनीज ने अपने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। पहले जब शुरुआत में HD में स्विच हुआ था मार्केट, तब इन कंपनीज ने स्पेसिफिकली यही बनाया था कि भाई जो स्पेसिफिक एक HD TVI कैमरा है तो वो उसी के DVR पे चलेगा, या फिर TVI है तो उसी पे चलेगा। बट फिर धीरे धीरे आते आते हर कंपनीज़ ने हर कंपनी के DVR की टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए बना दिया, मतलब ये कि कैमरा जो है हमारा किसी भी DVR पे चल सकता है, या जो हमारा DVR है वो किसी भी कैमरा को सपोर्ट कर सकता है। जैसे कि पहले शुरुआत में ये होता था कि जो हमारा HD कैमरा है वो एनालॉग DVR पे नहीं लगता था जो पहले आते थे, बट अब ये हो गया है कि कंपनीज ने वो भी सपोर्ट देना चालू कर दिया है, जो कि बेसिकली अब कैमराज पे एक तरीके का बटन आता है या अंदर से सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसे सेटिंग चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल सेटिंग होती है, कोई भी यूज़ कर सकता है। तो उसके थ्रू क्या रहता है कि अगर हम CVVS मोड पर करते हैं तो कैमरा आपका जो पिछले DVR होते थे, एनालॉग DVR आते थे, जिनका बेसिकली जो ऑब्वियस सी बात है कम रेजोल्यूशन पे कनेक्ट होता है, बट आपका HD कैमरा एज एनालॉग HD कैमरा एज एनालॉग एक्ट करता है, बट कम रेजोल्यूशन के साथ, मेनली कम क्लियरिटी के साथ। कि भाई IP कैमराज क्या है, IP कैमराज में जो बेसिकली जो मार्केट में स्टैंडर्ड है वो है ONVIF। देखा जाए तो ONVIF कैमराज जो होते हैं वो, उसका ये कहने का मतलब है कि वो एक स्टैंडर्ड बना रखे कंपनीज़ ने कि किसी भी कंपनी का DVR ये कैमरा एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस केस में नियरली 95% to 98% कैमरास कवर और DVR कवर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि भाई जो हमारा IP कैमरा है वो रिकॉर्ड करता है NVR पे, जो कि या फिर हाइब्रिड DVR पे। हाइब्रिड DVR बेसिकली वो होता है जिसमें हम एनालॉग कैमरा भी लगा सकते हैं और ये IP कैमरा या नेटवर्क कैमरा भी लगा सकते हैं। अब दूसरा डिवाइस क्या होता है, NVR, जो बेसिकली प्योरली IP कैमराज या नेटवर्क कैमराज के लिए बना होता है, जिसे कहते हैं नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर्स। तो और जो IP कैमराज की एक और फीचर ये रहता है, फीचर कह लें या एक तरीके से बेनिफिट कह लें, कि वो IP कैमराज को हर जगह कनेक्ट करने के लिए आपको NVR की ज़रूरत नहीं है। IP कैमराज डायरेक्टली कंप्यूटर पे या नेटवर्क अटैच स्टोरेज, बेसिकली जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं डेटा, या फिर एक ऑनलाइन सर्वर या क्लाउड सर्वर पे डायरेक्टली कनेक्ट किया जा सकता है।
जिसमें हमारे 98% के आसपास कैमरास कवर होते हैं। कुछ में ऐसा रहता है कि वो ऐप पर रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं कि जिन्हें आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते आईपी के थ्रू। आईपी बेसिकली जैसे हमारा कंप्यूटर नेटवर्क वगैरह कनेक्टेड रहता है वो है। अच्छा, एनालॉग कैमरास और आईपी कैमरास में डिफरेंस क्या है? बेसिकली एनालॉग कैमरास ये हैं कि जैसे कि नाम में बताते कि एनालॉग हैं, और जो आईपी कैमरास हैं वो प्योरली डिजिटल होते हैं। एक चीज़ और आ जाते हैं कि भाई एनालॉग कैमरा की क्वालिटी और दूसरा हमारा आईपी कैमरा की क्वालिटी में क्या अंतर है। एनालॉग कैमरा की और आईपी कैमरा की क्वालिटी में आप आंखों से देखकर एकदम से इंस्टेंट नहीं बता सकते कि क्या फ़र्क है। अगर आप एनालॉग एचडी कैमरा भी लगाते हैं तो वो भी बेटर रहेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस यूज़ के लिए कर रहे हैं। यह है कि आप 90% जगह पर एनालॉग एचडी कैमरा यूज़ कर सकते हैं, बाकी दूसरा आईपी कैमरा रहता है उसमें थोड़ी सी क्वालिटी का फ़र्क रहता है। बाकी जो डिफरेंस रहता है दोनों में वो रहता है कि भी एनवीआर और जो डीवीआर है, जो बेसिकली आप रिकॉर्डर यूज़ कर रहे हैं उस पे कैमरा की क्वालिटी डिपेंड करती है। एक चीज़ और है, इस वीडियो में हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कैमरा कितने कि भाई कितना एमपी का है या रेजोल्यूशन क्या है उसका, ये सब नहीं डिस्कस करेंगे। ये खाली ये कितने तरीके के कैमराज या क्या क्या फीचर आते हैं वीडियो उसके लिए खाली। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या आती है कि दोनों तरीके के कैमराज में हमारी जो जनरल शेप्स आती हैं वो है, सबसे पहले तो ये है कि भाई बुलेट कैमरा, जो कि बुलेट आपने देखा होगा एक तरीके से आउटडोर में जनरली लगा रहता है, आगे से बड़ा होता है, नीचे लटका रहता है थोड़ा सा। दूसरा आता है कि डोम कैमरा या फिश आई कैमरा। डोम कैमरा जो होता है और जो फिश आई कैमरा होता है वो सीलिंग से आपका चिपका रहता है, जनरली ये सेंटर में लगता है। तीसरा आ जाता है जी PTZ डोम कैमरा। PTZ डोम कैमरा क्या होता है कि इसमें आप पैन टिल्ट और जूम कर सकते हैं। एग्जैक्टली पैन लेफ्ट राइट हो गया, टिल्ट हो गया, अप एंड डाउन हो गया, जूम हो गया, जी आप जूम कर सकते हैं कैमरा पे, ठीक है। चौथा आ गया जी हमारा बॉक्स कैमरा। बॉक्स कैमरा जनरली क्या होता है, आगे आप इसमें लेंस वगैरह लगा सकते हैं या फिर कुछ उस तरीके का अपग्रेड कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं भी कैमराज की टेक्नोलॉजीज और फीचर्स के बारे में। पहले तो हम बात करते हैं कि जो एनालॉग और आईपी कैमरा में कॉमनली अवेलेबल होते हैं वो क्या है कि भाई इंफ्रारेड या नाइट विजन कैमरास। इंफ्रारेड या नाइट विजन कैमरास बेसिकली क्या रहते हैं, इनमें LEDs होती हैं जो कि आपने छोटी छोटी रात को जलते हुए देखी होंगी अगर आपने CCTV कैमरा देखा है तो। वो आपका अगर रात में लाइट भी नहीं होती तो वो एज अ ब्लैक एंड वाइट इमेज दिखाती है, ठीक है। दूसरा आ जाते हैं जी कलर्ड नाइट विजन। अब कलर्ड नाइट विजन क्या होता है, जनरली एक LED बल्ब दिया होता है जो कि नॉर्मल एक जैसे आपका बल्ब होता है उस तरीके से रात को जल जाता है तो पर्टिकुलर दूरी तक वो विजन दे देता है। अब कलर्ड नाइट विजन में दूसरी टेक्नोलॉजी भी रहती है कि भाई अगर लो लाइट हो तब भी वो आपको कलर्ड इमेज देता है। जो आपका सेंसर होता है कैमरा का वो इस तरीके का होता है कि लो लाइट में भी आपको कलर्ड इमेज दे रहा होता है। तीसरे क्या रहते हैं, वेंडर प्रूफ कैमरा। वेंडर प्रूफ कैमराज जनरली वो होते हैं जो इजीली ब्रेकेबल ना हो, जनरली वो मेटल या किसी और ऐसे मटेरियल के होते हैं जो इजीली टूट ना पाए। अगर आप उसमें डंडे वगैरह भी मार रहे हैं तो कुछ भी हो रहा है तो वो टूटेगा नहीं इजीली। और दूसरे उसके जो स्क्रूज होते हैं वो नॉर्मल पेचकस से भी नहीं टूटते हैं। चौथे क्या आते हैं, मोटराइज या PTZ कैमरा। मोटराइज कैमरा क्या रहते हैं, आप उसे ऑप्टिकली जूम कर सकते हैं, DVR के पास से कंट्रोल कर सकते हैं, रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। PTZ कैमरा क्या रहते हैं, पैन टिल्ट और जूम। पैन हो गया जी आपको लेफ्ट और राइट कैमरा को कर सकते हैं, टिल्ट क्या हो गया कि अप एंड डाउन होगी, और जूम क्या हो गया जनरली जूम इन जूम आउट, दूर या पास करना कैमरे का, ठीक है। एक इस तरीके जो कि आपने जैसे कहीं चौक पर देखे होंगे बड़े बड़े कैमरा लगे होंगे वो जनरली PTZ कैमरा होते हैं। पांचवा क्या आता है कि भाई कैमरा विदाउट, इन कैमरा में क्या रहते हैं, माइक इनबिल्ट ही रहता है। अगर आप ये कैमरा कहीं लगा देंगे तो आपको माइक्रोफोन अलग से लगाने की जरूरत है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि जो कैमरास जनरली आईपी कैमरास में अवेलेबल होते हैं, ऐसा नहीं है ये एनालॉग में नहीं होते हैं बट जनरली ये आईपी कैमरास या नेटवर्क कैमरास में अवेलेबल होते हैं। अब पहला आता है जी स्टैंड अलोन कैमरा विद मेमोरी कार्ड स्लॉट। अब इनमें क्या रहता है कि इनके अंदर एक मेमोरी कार्ड स्लॉट रहता है और इन्हीं के अंदर स्टैंड अलोन अपना इनबिल्ट DVR कह सकते हैं आप, वो रहता है सॉफ्टवेयर। इसमें आप पर्टिकुलर और भी कैमराज ऐड कर सकते हैं और उसी के अंदर रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अगला क्या आता है, वायरलेस या वाईफाई कैमरा। अब वायरलेस कैमरा भी कुछ ऐसे होते हैं जो
जनरली वायरलेस कैमराज जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में, उनमें ये होते हैं कि पावर आपको कैमरा के पास से ही देनी होती है। अगर वो मोटराइज कैमरा है तो ये हो सकता है, अगर आप दूर से पावर देंगे तो इशू आ सकता है। तो ये जनरली ये रहता है कि 2-4 मीटर के आसपास ही आपका उसके साथ वायर की लेंथ दी रहती है अडेप्टर की, तो अब वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब वायरलेस कैमराज जो होते हैं पैन टिल्ट जूम में भी आते हैं, अलग अलग तरीके के वेरियंट आते हैं। अगला आते हैं LPR कैमराज में। LPR कैमराज कहते हैं लाइसेंस प्लेट रिकग्निशन कैमराज को। जनरली क्या रहता है, इनके अंदर बॉक्स कैमरा रहता है और इसका एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपका लाइसेंस प्लेट को रिकग्नाइज कर सकता है। बॉक्स कैमरा में जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि इसमें आप एक ऑप्टिकल जूम कैपेबिलिटी के साथ लेंस लगा रहता है, जैसा कि आपका DSLR कैमरा में कभी आपने देखा हो तो उस तरीके के लेंसेज होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इनके अंदर। इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर आपकी कार जैसे मान के चलिए कि भाई दूरी से आ रही है तो भी ये कैमराज आपके लाइसेंस प्लेट को कैप्चर कर सकते हैं, तो इनके ये फ़ायदा रहता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है कि भाई वेदर प्रूफ या आउटडोर कैमराज क्या होते हैं। देखा जाए तो कॉमनली वेदर प्रूफ और आउटडोर कैमरा सेम ही होते हैं। वो एक तरीके का फीचर होता है कैमरा पे कि भाई जिस जो आपकी वेदर कंडीशंस हैं उससे कैमरा की परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट ना हो, कि जैसे भाई डस्ट पड़ रही है तो डस्ट से इफ़ेक्ट ना हो कैमरा की क्लैरिटी पे, या फिर पानी वगैरह पड़ रहा है तो क्या पानी अंदर नहीं जाना चाहिए, अगर डस्ट भी है या कोई भी चीज़ है तो कैमरा की बॉडी के अंदर नहीं जानी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है ऊपर तो पानी गिरेगा बट वो अंदर नहीं जाना चाहिए कि भाई आपके जो सर्किटरी है या जो PCB वगैरह है वो डैमेज ना। जनरली जो लोग समझते हैं कि भाई बुलेट कैमराज जो होते हैं वही आउटडोर कैमराज होते हैं, ऐसा नहीं है कि बुलेट कैमरा ही आउटडोर कैमरा होगा। डोम कैमरा या PTZ कैमरा, कोई भी कैमरा जो है आपका आउटडोर कैमरा हो सकता है। अच्छा, जैसे पीछे हमने जैसे ये टेक्नोलॉजी या फीचर डिस्कस करे, तो ये ऐसा नहीं है कि अगर इंफ्रारेड कैमरा है तो वो कैमरा वेंडर प्रूफ या मोटराइज ऑडियो वाला नहीं हो सकता है, या फिर वो कलर नाइट विजन वाला कैमरा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये सारी सेपरेट वर्क करती हैं। मान के चलिए अगर वो इंफ्रारेड कैमरा है तो वो वाईफाई कैमरा भी हो सकता है, ठीक है, या फिर वो आपका कलर्ड कैमरा भी हो सकता है कलर्ड नाइट विजन वाला। ऐसा नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी एक है तो वो इंफ्रारेड में आपके साथ कलर्ड नाइट विजन में मिल सकता है, वो वेंडर प्रूफ भी हो सकता है, वो मोटराइज्ड या PTZ भी हो सकता है, या उसमें ऑडियो भी हो सकता है, या उसमें आप मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं, वो वायरलेस भी हो सकता है, वो LPR भी हो सकता है। ये एक तरीके के फीचर हैं जो सारे, ऐसा नहीं है कि भाई खाली ये अलग से वर्क करेगा कि अगर नाइट विजन कैमरा है या वाईफाई कैमरा है तो नाइट विजन नहीं होगा, या अगर LPR है तो उसमें नाइट विजन नहीं होगा। LPR में भी नाइट विजन हो सकता है, वो मोटराइज भी होता है, वो ऑडियो के साथ भी हो सकता है। ये सारी टेक्नोलॉजी अलग अलग वर्क करती है, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ पर पर्टिकुलर ये है कि इसमें यह है तो इसमें यह नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है।